दोस्तों, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होमियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं माइग्रेन से होने वाली परेशानियां और उसकी कुछ होम्योपैथिक दवाओं के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। माइग्रेन आधे सिर में होने वाले दर्द को कहते हैं। यह कभी दाहिने साइड तो कभी बाएँ साइड में हो सकती है। माइग्रेन का दर्द कभी कभार पूरे सिर में भी दिखाई पड़ती है। माइग्रेन होने पर सिर में चक्कर, आँख के सामने अंधेरा छाना, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी दिखाई पड़ती है। माइग्रेन होने का मुख्य कारण है बीपी प्रॉब्लम, टेंशन, एंजाइटी और कभी कभार यह जेनेटिक रूप में भी आ जाती है। माइग्रेन में किसी कारणवश सिर के जो नसें हैं वह फैलने और सिकुड़ने लगती है। सिर की नसों का बार बार फैलना और सिकुड़ना माइग्रेन का रूप ले लेती है। माइग्रेन को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ही सफल है और इसका सही ढंग से प्रयोग करने पर इस बीमारी से हम हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। पहली दवा है सिमिसिफ्यूगा। यह स्त्रियों के मासिक चक्र संबंधित अनियमितताओं के और विकारों के कारण अगर उत्पन्न होती है तो हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सिर में रक्त संचय हो जाती है, आँखों में तेज दर्द रहती है। अगर ये लक्षण दिखाई पड़े तो हम सिमिसिफ्यूगा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दवा है सेंगुनेरिया कैन। यह दक्षिण साइड की दर्द में बहुत अच्छी काम करती है। इसमें लाइट के प्रति सेंसिटिविटी देखी जाती है। यह माइग्रेन की तंत्रिका संबंधित परेशानियों की एक बहुत ही अच्छी दवा है। तीसरी दवा है आरिस भर्स। इससे सिर दर्द के कारण आँखों के सामने अंधेरा छा जाती है और इसका जो दर्द है वह एक निश्चित समय पर शुरू होती है। सिर में कभी कभी इतनी अधिक दर्द रहती है कि वोमिटिंग भी होने लगती है। तो आरिस भर्स माइग्रेन के एक बहुत ही अच्छी दवा है। एक दवा है आपको जेलसेमियम। यह मेडिसिन माइग्रेन का जो दर्द है आँखों से जो शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे सिर में फैल जाती है, इस दवा में हम देखते हैं कि रोशनी से परेशानी बनी रहती है, सिर में रक्त संचय हो जाती है। तो हम जेलसेमियम का प्रयोग करें, इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल जाएगी। पांचवी दवा है स्पाइजेलिया। यह मुख्य रूप से लेफ्ट साइड की दवा है। इसमें हृदय परेशानी, हृदय संबंधी विकारों को भी हम देख सकते हैं। इस दवा को अब मुख्य रूप से प्रयोग हम तब करते हैं जब यह सूर्योदय के बाद इसकी दर्द शुरू होती है और सूर्यास्त के बाद इसका दर्द खत्म हो जाती है। तो हम इस दवा का प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से हम निश्चित रूप